दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ। साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या YouTube पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो YouTube पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है। बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है। और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजित कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको ये मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, तो
और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे। तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या YouTube पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो YouTube पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर इन्जॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है। और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है,
और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टोमेटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरवी के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे। तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है
तो आप देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है। बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है। और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरवी के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।
मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो उसका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई
सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो रेंट पर है तीन नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटोज की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार,
सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी,
क्योंकि जो IMDb है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है। बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है। और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDb है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन डागुआ, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है।
अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन डागुआ, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है,
तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है तीन नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं।
कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी बोर भी नहीं कराएंगी। जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से 6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे। तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या YouTube पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये मूवी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो YouTube पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी।
जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है। और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है। और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टोमेटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे। तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या YouTube पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो YouTube पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं। तो
आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है, तीन नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजित कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर
देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो शो का मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से 6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा।
तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या YouTube पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो YouTube पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटोज की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी।
इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे। तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर,
एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है। बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है। और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों, इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजित कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरवी के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर, तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं।
तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरवी के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है।
तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटोज की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी,
और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरवी के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशी माँ के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 6 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही,
और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है। बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं। इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है, और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रोटेन टोमेटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है,
तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, यह मूवी YouTube पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को YouTube पर देखना चाहते हो तो YouTube पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को YouTube पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को YouTube पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटोज की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे और गाने जो है 5 से ज़्यादा होते थे, लगभग 5 से 7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कौरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी।
दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं। मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है तीन नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है। एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज है वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन डागुआ, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे,
और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकते हैं कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है, जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहां पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियल यूट्यूब पर अपलोड कर देता है तो आप देख सकते हैं, बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो है रेंट पर है 3 नहीं बल्कि 4 जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी, क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 आउट ऑफ 6.4 की रेटिंग मिली है और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने, जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है,
और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टोमेटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजीत कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दा गुहा, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजीत कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ये मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे। तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजीत कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, और इस वीडियो के अंदर हम शाहरुख खान की एक और कमाल की और शानदार मूवी के बारे में बात करेंगे, जिस मूवी का नाम है अशोका। तो अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहते हो हिंदी के अंदर तो सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को इस मूवी के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूँ, साथ में ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगी हिंदी के अंदर वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसी वीडियो को लाइक कर देना, और हो सके तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मूवी के अंदर आपको एक साउथ के एक्टर भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, मूवी की कहानी क्या है, इस मूवी के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सब कुछ हम आगे डिस्कस करते हैं। तो वैसे मूवी काफ़ी शानदार है, और मूवी के अंदर जो शाहरुख खान है उनकी एक्टिंग भी आप सभी को अच्छी ज़रूर लगेंगी। तो चलिए इस मूवी के बारे में हम बात करते हैं। तो अशोका मूवी को 2001 के अंदर रिलीज़ किया गया था, और मूवी के अंदर आपको ड्रामा और वॉर देखने को मिलता है। अगर आप लोग जो है वो ड्रामा वॉर टाइप मूवीज़ देखते हैं, जैसे कि बाहुबली या फिर हॉलीवुड के अंदर भी ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो आपको मूवी ज़रूर अच्छी लगेंगी। चलिए हम बात करते हैं कि ये मूवी क्या यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये मूवी यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। अगर आप इस मूवी को यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर अभी आपको मूवी मिलेंगी तो सही, पर रेंट पर मिलेंगी, जहाँ पर आपको इस मूवी को देखने के लिए लगभग जो है वो 75 रुपीज़ देने पड़ेंगे, फिर आप इस मूवी को यूट्यूब पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आप इसी तरह से इस मूवी को यूट्यूब पर देख सकते हैं, और मूवी जो है वो आपको अभी के लिए रेंट पर देखने को मिलेंगी। ये बात अलग है कि इस मूवी को कोई अनऑफिशियली यूट्यूब पर अपलोड कर देता है
तो आप देख सकते हैं। बाकी ऑफिशियल इस मूवी का जो प्रोडक्शन बैनर है वो रिलीज़ करेगा तो भी आप देख सकते हैं, पर वो शायद पॉसिबल नहीं है क्योंकि मूवी जो रेंट पर है तीन नहीं बल्कि चार जगह पर उपलब्ध है, एक तो नेटफ्लिक्स के ऊपर, एप्पल टीवी के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल प्ले मूवीज़ टीवी के ऊपर भी अवेलेबल है, तो आप कहीं से भी इस मूवी को देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार है, मूवी की कहानी क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों इस मूवी की रेटिंग काफ़ी शानदार निकल कर आई थी क्योंकि जो IMDB है वहाँ पर इस मूवी को जो है वो 10 out of 6.4 की रेटिंग मिली है, और जो रॉटन टमाटोज वहाँ पर भी इस मूवी को 100% मिले हुए हैं, और इस मूवी को 57% लोगों ने लाइक्स भी किया है गूगल की तरफ से ही, और इस मूवी को डायरेक्ट किया था संतोष सिवन ने जो कि काफ़ी बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। जब आप इस मूवी को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस मूवी का बजट 100-200 करोड़ का होगा, पर दोस्तों इस मूवी का बजट इतना नहीं है, बस इस मूवी का बजट सिर्फ 13 करोड़ का रहा था। 13 करोड़ के बजट में ये मूवी बनाई गई थी, जो कि संतोष सिवन जो है वो दोस्तों बहुत सारी मूवीज़ बना चुके हैं, इनकी मूवीज़ भी काफ़ी शानदार रहती है, और इन्होंने दोस्तों सिर्फ हिंदी सिनेमा के अंदर ही नहीं बल्कि मलयालम और तमिल सिनेमा के अंदर भी कमाल की मूवीज़ दी हुई है और काफ़ी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई हुई है, और इनको दोस्तों जो है वो काफ़ी सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। दोस्तों इस मूवी को जो है वो रॉटन टमाटो की तरफ से 100% मिले थे, वो काफ़ी अच्छी बात है। वहीं जो IMDB है वहाँ पर भी इस मूवी को 6.5 की रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया था रेड चिल्स एंटरटेनमेंट ने, जो कि शाहरुख खान की ही वो कंपनी है जो कि मूवी प्रोड्यूस भी करती है। चलिए आगे बात करते हैं मूवी के बारे में कि मूवी के अंदर कौन कौन से किरदार हैं। तो इस मूवी के अंदर आपको शाहरुख खान, करीना कपूर, अजित कुमार, सुरेश मेनन, इसके अलावा हर्षिता भट्ट, डैनी, शिल्पा मेहता, जॉनी लिवर, गैरजन दागुआ, राहुल देव, उमेश मेहरा, इसके अलावा विनीत शर्मा, श्वेता मेनन, मनोज लालवानी, सूरज बालाजी, जितेंद्र शास्त्री, इसके अलावा सुहास जोशी, और भी यहाँ पर आप सभी को काफ़ी अच्छे किरदार देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कमाल की एक्टिंग की हुई है। इस मूवी के अंदर शाहरुख खान यशोका के रोल में है, जो करीना कपूर है वो यहाँ पर कौरव के रोल में है, और अजित कुमार यहाँ पर सुशीमा के रोल में देखने को मिलते हैं। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको यह मूवी बोर भी नहीं कराएंगी, जो कि इस मूवी का रन टाइम काफ़ी ज़्यादा है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया कि जो ओल्ड मूवीज़ होती थी उनके अंदर गाने भी काफ़ी बढ़िया रहते थे, और गाने जो है 5-6 ज़्यादा होते थे, लगभग 5-6-7 गाने देखने को मिलते थे, तो एक वो भी वजह बन सकती है कि मूवी का रन टाइम काफ़ी लंबा हो गया है। तो इस मूवी का रन टाइम लगभग जो है वो 3 घंटे के करीब का है। तो बात करें हम इस मूवी की कहानी के बारे में कि मूवी की कहानी किस तरह की है, मूवी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया कि एक वॉर मूवी है, और इस मूवी के अंदर आपको तगड़ा वॉर भी देखने को मिलता है। तो मूवी के अंदर होता कुछ यूँ है कि जो मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी अशोक के अपने सौतेले भाई सुशीमा से युद्ध करने का कारण निवारसन पर भेजा दिया जाता है, जो कि वो अपने भाई से युद्ध तो करना नहीं चाहता था, बट दक्षिण की यात्रा के दौरान वह कलिंग की राजकुमारी कोरवाकी से मिलता है और उसके प्यार में भी पड़ जाता है। तो मूवी के अंदर आपको जो है वो थोड़ा बहुत रोमांस भी देखने को मिलेगा, और इस मूवी की कहानी भी काफ़ी गजब की है जो आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो मूवी के अंदर एक तमिल के सुपर एक्टर अजित कुमार है, जो कि यहाँ पर अशोका के भाई है, मतलब कि इस मूवी के अंदर इन्होंने उनके भाई का किरदार निभाया है। तो दोनों भाई का वॉर आपको देखने को मिलता है, क्यों होता है, कैसे होता है, वो सभी सवाल के जवाब आपको जो है मूवी देखने के बाद मिलेंगे। काफ़ी शानदार मूवी बनी है, तो आपको टाइम मिले तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, आप सभी को अच्छी लगेंगी। तो